हेलो दोस्तों, आज अगेन दूसरे शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम है टीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे कंपनी करती क्या क्या काम है, किस तरीके का काम, ठीक है, एज वेल एज कंपनी के चार्ट क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है, जितना वीडियोस देखेंगे उतना आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। साथ में अगर आप सीरियस है और स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 8650504051 8169260037 को में कांटेक्ट करके हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब शेयर को खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, क्या यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आती है, क्या नहीं करती हुई नजर आती, शेयर कब भागता है, कब गिरता है, वो सारे जवाब आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 महीन की एनरोलिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में यहाँ पर हम बात करें तो आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड। पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो ये शेयर का 52 वीक लो की बात करें तो 2700 रुपए था, अभी 187 का हाई लगाया, तो लगभग यहाँ पर आप एक साल में देखोगे ना 2700 रुपए से 187 रुपए तक ये शेयर चलता हुआ नजर आया। तो एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर आई है, ठीक है। क्या और भी अपसाइड यहाँ पर नजर आता है तो उस चीज से रिलेटेड हम चार्ट पे चलेंगे, तब यहाँ पर बात करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कंपनी करती क्या। पीसी ज्वेलर्स आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड स्टड ज्वेलर्स, एंड यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ज्योग्राफी में यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड यहाँ पर काम करती नजर आती है। अभी कुछ पिछले महीनों में आपने देखा होगा ज्वेलरी के जितने भी स्टॉक्स है सारे के सारे भागते हुए नजर आए, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो, पीसी ज्वेलर्स हो, या फिर जितने भी यहाँ पर सेंको गोल्ड हो, या जितने भी गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड है। उसके रीजन क्या है, उसका रीजन ये भी है रेट कट होना। दूसरी बात हम बात करें रेट कट का तो इनवर्स इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पर वो अभी मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही। बट हम बात करें तो इस मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी कंट्री है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर गोल्ड बाई कर रही है, चाहे आरबीआई हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ठीक है ना, सब यहाँ पर डॉलर को काउंटर करने के लिए, क्योंकि डॉलर पे एज जैसे डॉलर यूएस ने रशिया के जैसे फॉरेन रिजर्व को एकदम ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, उसके तो इस वजह से यहाँ पर डॉलर खरीदने की जगह अब बाइंग हो रही है गोल्ड की, तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड को शायद अच्छा सा खासा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्वेलरी स्टॉक है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा काम करते हुए नजर आ रहा है। साथ में डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी भी अच्छा खासा काम कर रही है, वो जो हमें यहाँ पर इनके नंबर्स में यहाँ पर समझ में भी आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप ओवरव्यू देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, एक्सपोर्ट कहाँ करता है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शो कॉज नोटिस, यहाँ पर प्रमोटर श्री बलराम गर्ग एंड श्री सचिन गर्ग को यहाँ पर दिसंबर 2019 में दिया गया था, ठीक है ना, ट्रेडिंग रेगुलेशन के वायोलेशन से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उस टाइम शेयर का प्राइस आप देख 2018-19 में देखोगे तो 500-600 के आसपास हुआ करता था अभी, और उसके बाद वो गिरते गिरते जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक कुछ फ्रॉड फ्रॉड हुआ होगा, तो उस वजह से ये शेयर 600 रुपए से 1200 रुपए पे आता हुआ नजर आया। तो लगभग लगभग कितनी वेल्थ आपकी यहाँ पर हटा दी वो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, अगर ये कला आपको आती है तो आप स्टॉक मार्केट के राजा हो, और नहीं आती तो याद रखिए आप हमेशा फंसते हुए नजर आओगे। तो इसलिए हमने अपना एक कोर्स इसी चीज के लिए लॉन्च किया है कि कब लेना है, कब बेचना है, वो आपको आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। पीसी ज्वेलर्स की बात करें, इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस है, वो सब चीज आपको यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आ जाएगा। तो जाके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8,233 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब क्या है, स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज छोटे शेयरों में है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करें तो इसे भी याद रखिएगा कि सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है, अदरवाइज आपका स्मॉल कैप आपको दुख दे के चले जाएगा, प्रॉफिट देने की जगह। स्टॉक पी की बात करें तो 537 का यहाँ पर पी दे रखा है, और मैं हमेशा कहता हूँ पी के पीछे भागना नहीं है,
है ना, अगर आप फी के पीछे भागेंगे तो आप किस चीज को ले नहीं पाओगे और किसी चीज को बेच नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो फी जस्ट अ मिथ, ठीक है, बट पी को इग्नोर नहीं करना है। जब मैं 537 का कह रहा हूँ, इंडस्ट्री का 38 कह रहा हूँ, याद रखिए बहुत महंगा है बहुत। अगर कुछ कंपनी में गड़बड़ मिली, कुछ कंपनी में कुछ भी ABCD हुई, तो ये जो शेयर यहाँ पर 177 पे चल रहा है, 2700 रुपये से इतना आया है, तो उतर से उधर जाने में भी इसे टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है, बट यहाँ पर इसके बेस पे काम भी नहीं करना है। ROC ROE नेगेटिव है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ की बात करें, 35% का माइनस सेल्स ग्रोथ है, 20% के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर दिखाई दिया, 10 का फेस वैल्यू है। और यहाँ पर डेट की बात करें, 177% 117% का डेट भी है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा है, प्लेजिंग 0% की है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। पहले 2022 तक कंपनी अच्छा खासा काम कर रही थी, उसके बाद दोबारा कंपनी के नंबर यहाँ पर आए। तो क्या है, गोल्ड का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ठीक है, जिस दिन बेकार चला उस दिन बेकार है। तो हम यहाँ पर बात करें, 505 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, क्योंकि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पे अच्छी खासी है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट आए में आते हुए दिखाई दिया, और हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा बट स्टिल सेकंड हाईएस्ट एवर नंबर यहाँ पिछले 12 क्वार्टर में दिखाई देते हैं। ईयरली क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा है, जहाँ कंपनी घाटे में यहाँ पर मार्जिन दिखा रही थी, वो यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रही है पिछले 2 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात भी करें तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दिखाई देता है, 180 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है एक एक क्वार्टर में, और यहाँ पर वो हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर देखिए ईपीएस, तो कंपनी जहाँ पर घाटे में ईपीएस था वो यहाँ पर 3 3.5% का ईपीएस पॉजिटिव दिखा रही है। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कंपनी का, जो कंपनी कभी अच्छा खासा किया करती थी 2019 18 19 तक 8 8 9 9 हजार करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो सेल्स गिरते 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 यहाँ पर आप देखोगे तो 600 करोड़ की सेल्स तक 2023 24 में रहती हुई नजर आई है। तो आप उस तरीके का सेटबैक भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का घाटे, यहाँ पर प्रॉफिट से घाटे में आता हुआ दिखाई दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि डाउनसाइड का रीजन क्या है और प्लस में कंपनी के उत्थान का रीजन क्या है, ठीक है ना। वो यहाँ पर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कंपनी जब अच्छा कर रही थी तो शेयर यहाँ पर चरम सीमा पे था, और जब कंपनी ने बेकार करना शुरू किया, घाटा में प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर कंपनी के शेयर का प्राइस भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया। बट ये है कि घाटा बाद में आता है, कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ पर पहले से ही टूटना शुरू कर देता है, ठीक है, और वेल्थ चाहती हुई नजर आती है। तो याद रखिए, रिस्क को मैनेज करना वो आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, आप कितना भी प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है, बट लॉस आपके हाथ में होता है हमेशा, कि आपको कितना लॉस लेना है, आपको 2% 5% 50% 100%, आपको कितना लॉस लेना है वो आपके हाथ में, ठीक है। आप चीजों को 1% 2% के लॉस में भी काट सकते हो, आप चीजों को 50 से 100% के लॉस में भी काट सकते हो, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके का यहाँ पर काम करते हो, आपकी बुद्धि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपका आपसे काम करवाती है, वो सब चीज पर डिपेंड करता है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स लगभग 2900 करोड़ के आसपास के, वैसे साथ में बोरिंग देखोगे पिछले साल यहाँ पर लगातार बोरिंग बढ़ रही है, 4000 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा फिगर नहीं है। एज आई सेड की यहाँ पर कंपनी ने नंबर दिखाना बंद कर दिए, ठीक है ना, कंपनी की नैया डूबती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तो अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक है, शायद चुका दिया है या क्या हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे रियली बेस पे, यहाँ पर देखिए 500 500 करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इतना इंटरेस्ट दे रही है शायद, यहाँ पर नहीं चुकाया तो नहीं है यार यहाँ पर शायद, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा बहुत और यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर और समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पर हम देखे तो 2 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें तो कंपनी के पास 12 करोड़ के आसपास का कैश है। तो देखिए बोरिंग ज्यादा है, कैश है नहीं, रिजर्व्स यहाँ पर लिमिटेड है, ठीक है, 117% के आसपास के यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो आप एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है, जब तक कंपनी अच्छा कर रही है तब तक अच्छा है, बट जिस दिन कंपनी ने अच्छा करना बंद किया तो याद रखिएगा अच्छे खासे लॉस में आप आते हुए नजर आओगे, जो प्रॉफिट अभी गेन हो रहा होगा शायद आपको वो चूक जाओगे। और स्टॉक मार्केट का हमेशा असूल है कि प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट को ले लेना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और उन कंपनियों में तो अक्सर जहां पर कंपनी के फंडामेंटल आपको समझ में ना आए, मुझे क्या समझ में आ रहे हैं, मुझे अभी फिलहाल की डेट में समझ में आ रहे हैं, बट मुझे लंबे टाइम के लिए समझ में नहीं आ रहे, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आता है, तो यहाँ पर समझेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% के आसपास की, FIs की होल्डिंग 3% है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। DIs की होल्डिंग 1.747% है, पब्लिक की होल्डिंग 40% के आसपास यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर अभी फिलहाल की डेट में यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है ना, बट आप किसी और के कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर शेयर होल्डर यहाँ पर घुस चुके हैं 2,59,000, क्योंकि जब चीजें भागती है ना तो तब लोग आते हुए नजर आते हैं, और फिर यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रमोटर कौन है। सबसे ज्यादा बलराम गर्ग जी है, ठीक है, ये कब यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेच के निकल गए आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप देखते रह जाओगे और आपके ये जो प्रमोटर है आप प्रमोटर बनते हुए नजर आओगे। तो सर सोच के समझ के यहाँ पर आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं, चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, बट इससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को टेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिए, चीजों को सीखे समझिए, है ना, नंबरों को नोट करिए, यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि शेयर प्राइस ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे बढ़ चुका है। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो पिछले चार चार महीने के अंदर अंदर शेयर प्राइस लगभग लगभग 50 रुपये से 180-190 रुपये तक जा चुका है, तो 4 टाइम्स तो नहीं कहूंगा बट 3.5 टाइम्स से ज्यादा यहाँ पर पैसे बन चुके हैं। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ, ये डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। डबल टॉप कभी भी अच्छा नहीं होता, बट एक चीज और बताना चाहता हूँ, कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पर नंबर प्रेजेंट करे, ठीक है। कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आया, तो इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। हो सकता है चीजें थोड़ी सी नीचे आए और नीचे 164 रुपए तक आए और फिर दोबारा चलना शुरू करे और ऊपर यहाँ पर चली जाए, ठीक है। तो क्या, और यहाँ पर मोस्टली चांसेस क्या है उससे रिलेटेड बात कर देता हूँ, इतना चीट भागने के बाद, ठीक है, पी रेशो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, उस चीज को भी देखिएगा, बट वो ट्रेलिंग पी होता है तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रेंज में शायद 3, 4, 6 महीने कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कब होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पर होगा इस पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है। जैसे ये शेयर यहाँ पर से 180-190 मान के चलिए 190 पे निकलता है, इस शेयर में एक दूसरी रैली यहाँ पर हो सकती है जो इस शेयर को थोड़ा और ऊपर यहाँ पर पहुंचा सकती है, ठीक है। यहाँ पर रखा है तो इसका ये हम मत सोचिएगा 400 तक, ठीक है ना, ये जस्ट मैंने एक एरो लगा दिया कि स्काई इज द लिमिट। दूसरी बात करें, जब यहाँ पर एंट्री बनेगी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, मेरे कहने पर नहीं लेना है, बस लेवल बता रहा हूँ। जब यहाँ पर एक एंट्री अगर बनती है, याद रखिएगा उसके साथ में एक रिस्क भी बनता है। रिस्क को कैसे आपको मैनेज करना है, जैसे मैंने बात करा था रिस्क आपके अंडर में, तो आपको 2, 4, 5 रुपए, 6 रुपए का रिस्क लेना है, ठीक है ना। और अगर चीजें आप या तो 6 रुपए के लॉस में, 5 रुपए के लॉस में, 4 रुपए के लॉस में निकल जाओगे, या फिर एक अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर बैठते हुए नजर आओगे, ठीक है ना। और चीजें अगर यहाँ से नीचे आती है तो चीजें और थोड़ी सी नीचे आ सकती है और बेकार हो सकती है, बट अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि चीजें नीचे आएगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इस लाइन के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती हुई नजर आएगी। इस ये लाइन इसका मेन सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, ये टूटा तो फिर चीजें और बेकार हो सकती है, बट मुझे और ऊपर नजर आता है। क्या और नजर आता है, अगर इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि कभी इस शेयर का हाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, 600 रुपए के आसपास था, तो अगर ये शेयर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है अगर कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाती है। क्या कंपनी परफॉर्म करके दिखा सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि कंपनी 2 क्वार्टर एटलीस्ट और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है ना। गोल्ड अच्छा खासा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, गोल्ड के प्राइस देखोगे तो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मैं अभी दिखा भी दूंगा, बट यहाँ पर अगर ये सीढ़ी यहाँ से यहाँ पर चलती है और अपने हाई को यहाँ पर टच करती है, जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट ही हुआ है एक तरीके से, यहाँ देखोगे 6 साल का, 5 साल का, तो यहाँ पर 235% के रिटर्न अभी भी आपके लिए बरकरार है। मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं गोल्ड के प्राइस आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गोल्ड का चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर गोल्ड आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए, मुझे यहाँ पर US में बात करके उससे ले लेते हैं। देखिए हाईएस्ट एवर लेवल पर चल रहा है गोल्ड, ठीक है, बैक टू बैक हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, और चीजें अच्छी खासी यहाँ पर गोल्ड चल रही है। बट याद रखिएगा, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं आती, जो नीचे आती है उसे ऊपर जाने की भी पूरे चांसेस होते हैं, और जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। जब यहाँ पर देख सकते हो, जब ऊपर गई थी तो नीचे भी आई थी, फिर ऊपर गई थी तो नीचे भी आई थी, सेम एज इट इज ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है, समझ के शांति से समझदारी से काम करना है, तभी जाके यहाँ पर चीजें आपके लिए सही होती है, हुई नजर आएगी।
वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मेरे कहने पर किसी और के कहने पर चीजें लेनी नहीं है, चीजों को समझना है, समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी सीखना है समझना है तो इन नंबरों पर नोट करके हमारे साथ काम कर सकते हो, हमारे साथ यहाँ पर कोर्स कर सकते हो, ताकि यहाँ पर आप अच्छे ट्रेडर बन जाओ। 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 हो जाएगी, सीधे डबल हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।